और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर ली है। मानसखंड कॉरिडोर को लेकर केंद्र से मदद मांगी है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, काफी अहम ये दौरा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर चुके हैं, पर्यटन को लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड कॉरिडोर को लेकर केंद्र से मदद भी मांगी है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, खासकर पर्यटन को लेकर। उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ जो स्थल है वहां पर और किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, आने वाले समय में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। और इसके अलावा भी उत्तराखंड में पर्यटन के कई ऐसे जगह हैं जिन मुद्दों को लेकर आज बातचीत हुई है, आज चर्चा हुई है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, काफी अहम दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री का। आज कई बातों को लेकर ये बातचीत हुई है, लेकिन जो फोकस आज का रहा वो पर्यटन को लेकर रहा, उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर आज का फोकस रहा। और इसीलिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मानसखंड कॉरिडोर को लेकर भी केंद्र से मदद मांगी है, केंद्र से अगर मदद मिलती है तो उसके बाद और ज्यादा। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, पर्यटन मंत्री के साथ में तस्वीरें, मुलाकात की तस्वीरें, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जी किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तस्वीरें सामने आ चुके हैं, जो कि हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुलाकात की है, चर्चा की है, पर्यटन को लेकर बातचीत की है, और उसके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन जो फोकस रहा वो पर्यटन को लेकर। कई ऐसे स्थल हैं उसको लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की गई, हालांकि मदद भी मांगी गई है। मानसखंड कॉरिडोर को लेकर केंद्र से मदद मांगी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने।